हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडीज फूड। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो वाली रेसिपी जो मैंने स्पेशली होली पर बनाई थी, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई। बेहद ही इजी सी और चटपटी सी और बेहद ही अच्छी सी रेसिपी है। आप एज ए नहीं, आप उसको सिर्फ होली पर ही खाओगे, कभी भी आप इसको जब भी मन करे बनाकर खा सकते हैं। तो मैंने क्या बनाया था, आइए देख लेते हैं। पर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक स्पेशल मिनी टॉफी स्टाइल कचौड़ी, जो आप कभी भी बना के खा सकते हो, बेहद ही स्वादिष्ट लगती है। कैसे कैसे बनाना है आइए देख लेते हैं। और इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि हमने इन मिनी टॉफी स्टाइल कचौड़ी को बनाया है गेहूं के आटे से, मैदा बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। तो आप बेफिक्र कितनी भी खा सकते हो, बेहद ही यूनिक लगती है देखने में और खाने में लाजवाब। तो चलिए इन स्पेशल सी स्टाइलिश सी कचौड़ी को कैसे कैसे बनाना है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले कचौड़ियों के लिए आटा तैयार करेंगे। तो जिसके लिए मैंने लिया हुआ है 1 कप गेहूं का आटा, और इससे 1/4 लेंगे हम सूजी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नॉर्मली इनको गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन सूजी से ये ज्यादा क्रिस्पी बनती है, इसलिए थोड़ी सी सूजी यूज की है। स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच के करीब अजवाइन, इसको इस तरीके से हथेलियों के बीच में रगड़ कर डालेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आए। 1/2 चम्मच दरदरा पिसा हुआ जीरा डालेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे बेहद ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप पूड़ी भी बनाओगे ना तो पूड़ियाँ भी बड़ी ही स्वादिष्ट लगती हैं इस तरीके के आटे से। तो सारी सूखी सामग्री पहले अच्छे से मिला लेंगे, और अब इनको खस्ता बनाने के लिए हम मिलाएंगे इसमें मोयन, यानी कि कोई भी कुकिंग ऑयल आप इसमें मिला सकते हैं। तो 1 बड़ा चमचा मैंने कुकिंग ऑयल मिला दिया है, और इनको पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका एक थोड़ा सा सख्त सा डो तैयार करेंगे, जैसे नॉर्मल हम रोटियों के लिए लगाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट आटा हमें लगाना है। तो ये देखिए, पहले मैंने ऑयल को अच्छे से मिला लिया है। अब बारी आती है इसमें पानी मिलाने की। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है, वरना जो आटा है वो ज्यादा पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। तो आटा अच्छे से गूंद चुका है। अब इसको हमने, क्योंकि हमने सूजी मिलाई थी, आप 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे। हल्का सा तेल लगा करके इसको ऐसे ही रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी फूल जाए, और तब तक हम कचौड़ियों के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। और इधर मैंने लिए हुए हैं आलू, 2 आलू लिए हुए हैं, और इनको आप कद्दूकस कर लेंगे, उबले हुए आलू हैं। अब बारी आती है इसमें थोड़े से मसाले मिलाने की, जिसमें मैंने नमक, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हींग पाउडर, दरदरा पिसा जीरा, गरम मसाला, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, थोड़ी सी किशमिश, काजू, मन पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा धनिया काटकर इसमें मैंने मिला दिया है। तो सारी सूखी सामग्री हमने मिला दी है, सारे मसाले हमने मिला दिए हैं, और अच्छी सी खुशबू आ रही है स्टफिंग से। आप चाहें तो इस वाली चटनी को हल्का सा तेल डालकर प्याज के साथ भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना चाहती हूँ चटनी को। नॉर्मली चटनी ऐसे ही बेहद ही स्वादिष्ट लगती है। ये ऊपर से मिला दिया है मैंने चाट मसाला। तो चटनी हो चुकी है बन करके तैयार, उधर आटा भी एकदम सेट हो गया है। चलिए देख लेते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं, आटा भी काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है, इसको 2 मिनट और गूंद लेंगे। 2 मिनट गूंदने के बाद आटा अच्छे से तैयार है। एक बड़ी सी लोई ले लेंगे, आटे से हल्का सा तेल लगाकर इसको पतला सा बेल लेंगे, जैसे रोटी होती है ना बिल्कुल उतना ही पतला हमें बेल लेना है चौकोर शेप में, और साइड से इस तरीके से एक्स्ट्रा आटे को कट कर देंगे। ये देखिए, अब इसको इक्वली 6 भागों में हम डिवाइड करेंगे।
तो रेक्टेंगल स्टाइल में हमें इनको कट करना है। अब हमने जो आलू की स्टफिंग तैयार करके रखी हुई थी उसको सभी पट्टियों पर इस तरीके से रख देंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी लेंगे और सभी किनारियों पर हल्का हल्का सा पानी लगा देंगे, इस तरीके से चारों ओर पानी की हल्की सी लेयर लगा देनी है ताकि जब हम इसको बंद करेंगे तो ये अच्छे से चिपक जाए और फ्राई करते समय चटनी भी बाहर नहीं निकलेगी। तो पानी तो लगा दिया है, अब हम चाकू लेंगे और चाकू की हेल्प से इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर चार चार कट लगा देंगे। चार या पांच आप कट लगा सकते हैं, पास पास लगाने हैं, ज्यादा दूर नहीं लगाने हैं। ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से लगाने हैं। पट्टी को पूरा नहीं काटना है, बस अंदर की साइड से ही हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो सभी में मैंने कट लगा दिए हैं। अब क्या करना है ये देखिए, चटनी की साइड से हम आटे के लेयर को हटाएंगे और उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये देखिए। और ये डिजाइन बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखें जो आटा है वो जहां पर आपने इसको बेला है वहां पर चिपकना नहीं चाहिए। आप चाहें तो नीचे जहां पर आप इनको बेलते हो आटे को वहां पर अच्छे से ऑयल की लेयर भी लगा सकते हो ताकि आटा बिल्कुल भी ना चिपके नीचे। और देखिए इस तरीके से किनारियों से बंद कर देंगे तो हो गई फटाफट से एक डिजाइन बनकर तैयार। ये देखिए एक डिजाइन ये हो गई। हम दो डिजाइन बनाने वाले हैं और आप इस तरीके से कांटे वाले चम्मच की हेल्प से साइड में इसको इस तरीके से प्रेस कर दीजिए, एकदम टॉफी स्टाइल डिजाइन बनकर तैयार हो जाती है। और चाहें तो आप इसके इस तरीके से दो चोटी भी बना सकते हैं, दोनों साइड से एकदम टॉफी सी लगे। ये देखिए एक प्यारी सी डिजाइन बनकर तैयार हो चुकी है। एक और बनाकर तैयार कर लेते हैं। फिर से एक पट्टी को लेंगे और ये देखिए चटनी वाली साइड से इस तरीके से हम इसको बंद करेंगे। और इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे, किनारियों को हल्का सा प्रेस करेंगे हाथ से और कांटे वाली चम्मच से फिर से डिजाइन बना देंगे। ये देखिए हो गया ना फटाफट से तैयार। आप एक साइड से भी इनको ऐसे रख सकते हैं या फिर बिना चोटी बनाए भी खाली कांटे वाली चम्मच से इसको बंद करके भी बना सकते हैं। बड़ी ऐसी डिजाइन बनकर तैयार हो जाती है। अब ऐसे ही हम बाकी भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने छह कचौड़ियां तैयार करके रखी हुई हैं। तीन को मैंने चोटी वाला बनाया है और तीन को मैंने नॉर्मली कांटे की चम्मच से साइड से डिजाइन बना के रखा हुआ है टॉफी जैसा। दोनों ही डिजाइन बहुत ही अच्छी हैं। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो मीडियम फ्लेम रखेंगे और इनको फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो, एकदम क्रिस्पी होने तक। अच्छा सा कलर आएगा तब तक हम इनको अच्छे से डीप फ्राई करेंगे। आंच को तेज बिल्कुल भी ना करें और इनको पलटते हुए रहना है ताकि ये सभी तरफ से अच्छे से एकदम क्रिस्पी फ्राई हो जाएं। ये देखिए हमारी इन टॉफी स्टाइल कचौड़ियों में एक अच्छा सा कलर आ चुका है, एकदम सुनहरा कलर आ चुका है। अब गैस को मैंने एकदम धीमा कर दिया है ताकि हम बाकी भी फ्राई कर लें और इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है और इनको ठंडा होने के बाद खाएंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ही ये एकदम और भी क्रिस्पी हो जाएंगी, एकदम खस्ता हो जाएंगी। अब मैं बाकियों को भी फ्राई कर लेती हूँ। तो हमारी मिनी टॉफी स्टाइल कचौड़ी बन करके एकदम तैयार हो गई है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इनको कैसे भी खा सकते हैं, खीर के साथ, चाय के साथ, दही के साथ या टमाटो सॉस के साथ या किसी भी प्रकार की चटनी के साथ। बेहद ही लाजवाब लगने वाली हैं आपको। तो तैयार है हमारी कचौड़ी की रेसिपी। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी, ट्राई करके भी जरूर देखना।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, अच्छा बनाएं, अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं। ओके, टाटा एंड बाय बाय।